मेरा नाम डॉक्टर संजीव जाधव है और मैं अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई यहाँ पे हार्ट लंग ट्रांसप्लांट सर्जन एंड कार्डियोथोरेसिक सर्जन इस पद पे कार्यरत हूँ। अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई एक बहुत ही अद्यावत हॉस्पिटल है और वेस्टर्न इंडिया का एक बहुत बड़ा सुसज्ज ऐसा क्वाटरनरी केयर सिस्टम वाला हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी, कॉम्प्लेक्स लंग सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस, एक्मो, ऐसे जो क्वाटरनरी केयर सिस्टम सपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल है उस ऑपरेशन हम रेगुलरली करते हैं। हमारे इधर जो इंटेंसिव केयर सिस्टम है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। सर्जन्स, एनेस्थेटिस्ट, वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। एंड हम लोग हार्ट ट्रांसप्लांट तो बहुत सारे कर चुके हैं, ऑल आर सक्सेसफुल। एंड लंग ट्रांसप्लांट भी हम लोगों ने चालू किया है अभी। एंड जो पेशेंट्स लोग हैं जिनको बार बार खांसी आ रही है, बार बार दम लग रहा है, जिन लोगों को आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस पता चल रहा है कि जिनको हाई एंड इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है या सीओपीडी है, ऐसे डिसीजेस है और जिसमें लंग का जो फंक्शन है वो बहुत ही कम हो गया है, ऐसे सिचुएशन में एक ही पर्याय उपलब्ध रहता है जो प्रेजेंट मेडिकल साइंस में, वो है लंग ट्रांसप्लांट। अभी हालांकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें अपन बात कर सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत ही बुरे दिन देखे लास्ट 2 इयर्स में, जो कि कोरोना की वजह से, वायरस की वजह से लंग बहुत ही खराब हो गए और जिनको एक्मो या लंग ट्रांसप्लांट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे सिचुएशन में अवेयरनेस भी सोसाइटी में आ गया है और ऐसे सेंटर्स वेस्टर्न इंडिया में अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई है और हम लोग जो मेरी टीम है इट्स क्वाइट कैपेबल ऑफ डूइंग सच कॉम्प्लेक्स केसेस। और जो तपास करते हैं उसके बाद पता चल जाता है कि जो डिसीजेस है, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस है जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ज्यादा नहीं है, जैसा सिस्टिक फाइब्रोसिस, बट सीओपीडी और आईएलडी तो बहुत ही कॉमन डिसीज है जिसके वजह से पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत है। और इनिशियली हम लोग वो इवेल्युएट करते हैं कि इन्फेक्शन है या नहीं है, ब्लड में इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज है क्या, कि नया अगर लंग उस पेशेंट के अंदर चेस्ट में इम्प्लांट करने के बाद उसकी इम्यूनिटी उसको खराब नहीं कर सके, ये सब तपास हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये तपास होने के बाद ऐसे सिचुएशन में पेशेंट आ जाता है कि उसको होम ऑक्सीजन थेरेपी लग रही है, तो पेशेंट होम ऑक्सीजन थेरेपी लग रही है और जो यंग है अराउंड 60-65 इयर्स के नीचे है, ऐसे पेशेंट्स एक ही ऑप्शन बच जाता है या लंग ट्रांसप्लांट। और ये इनिशियल तपास के बाद हम लोग उनको रजिस्टर कर देते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वेटिंग लिस्ट में और जैसे ही ऑर्गन मिल जाता है तो वो उसका ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन का जो खर्चा है वो भी हम लोग बहुत सारे चैरिटीज की तरफ से जमा करते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को उसका कठिनाइयां नहीं महसूस हो जाए, फाइनेंशियल कठिनाइयां। वी रेज मोस्ट ऑफ द फंड्स फॉर हार्ट लंग ट्रांसप्लांट्स एंड सो दिस टेक्स अवे द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन फ्रॉम पेशेंट्स एंड पेशेंट्स फैमिली। तो उसके बाद हम लोग रजिस्टर करने के बाद पेशेंट जो एप्रोप्रिएट ऑर्गन मिलने की राह में वेटिंग लिस्ट पर रहते हैं पेशेंट्स, जैसे ही मिलते हैं उसका ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन होने के बाद अराउंड 3 वीक्स पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है एंड 3 वीक्स के बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है।
हार्ट ट्रांसप्लांट का पेशेंट अराउंड 2 वीक्स हॉस्पिटल में रहता है, 2 वीक के बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। तो वेस्टर्न इंडिया महाराष्ट्र का अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई इज अ वेरी गुड सेटअप फॉर हार्ट लंग ट्रांसप्लांट एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है अपने देश के लिए। आप अगर ऐसा सोचने लगो तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार करता है लेकिन उनके पास हार्ट लंग ट्रांसप्लांट होता नहीं है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक मार्वल इन मेडिकल साइंस एंड देयर आर ओनली फ्यू कंट्रीज, थोड़े ही देश है जो ये ऑपरेशन करते हैं और रेगुलरली करते हैं, उसमें भारत आके बैठ गया है लास्ट 10 साल में। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में गिने चुने ही हॉस्पिटल से गिने चुने ही लोग है, मेरे हिसाब से 10-12 भी लोग नहीं रहेंगे जो हार्ट लंग ट्रांसप्लांट करते हैं सर्जन। तो इट्स अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अपने इसमें तो सेंटर्स है कि हार्ट लंग ट्रांसप्लांट करने वाले। तो इसका जरूर फायदा भारत के जो एंड स्टेज हार्ट फेलियर एंड एंड स्टेज रेस्पिरेटरी फेलियर के जो लंग फेलियर के पेशेंट्स हैं, उन्हें जरूर ये फायदा लेना चाहिए। नमस्कार।